हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज की जो वैकेंसी है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि गाइस ये जो वैकेंसी है आज एक बार फिर से आप लोगों की जो वैकेंसी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ गई है, मतलब हेल की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। गाइस, यहाँ जो वैकेंसी है आप लोग की फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए निकली है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो स्टूडेंट एलिजिबल है वो इस वीडियो के लिए अप्लाई ज़रूर करें। मैं इसमें सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर बताऊँगी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, अप्लाई मैथड क्या होगा, अप्लाई किस तरीके से करना है, कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं, किस ब्रांच के लिए एलिजिबल है और किस ब्रांच के लिए नहीं है। तो गाइस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए, वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएंगी। अगर आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो आधा अधूरा आप लोग देख के छोड़ देते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आप लोग स्किप कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, यहाँ पर जो है कुछ ब्रांच ऐसी हैं जिनमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कुछ ब्रांच ऐसी हैं जहाँ पर नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आप वीडियो को कंटिन्यू कर नहीं करेंगे तो आप लोग को नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी के लिए करना है। तो चलिए मैं आप लोग को कुछ मेन चीज़ बता देती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि यहाँ पर आप लोग ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट गाइस मैं आप लोग को जो ब्रांच बताऊंगी सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर सभी के लिए नहीं कर सकते हैं। कुछ ब्रांच ऐसी हैं जिनके लिए कर सकते हैं ऑल इंडिया के, कुछ ब्रांच ऐसी हैं जिनके लिए नहीं कर सकते। और साथ ही देखिए गाइस, यहाँ पर आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट एलिजिबल हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है, अगर आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस है गाइस, तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। इसके लिए ओनली ऑन फ्रेशर एलिजिबल है, क्योंकि गाइस ये जो वैकेंसी आपको की अप्रेंटिस रहने वाली है, अप्रेंटिस 1 ईयर की रहने वाली है। गाइस, जो स्टूडेंट अप्रेंटिस नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बता दूँ, गाइस ये जो अप्रेंटिस होती है, अप्रेंटिस और इंटर्नशिप दो प्रकार की होती हैं। इंटर्नशिप गाइस 1 मंथ की हो सकती है, 2 मंथ की हो सकती है, 6 मंथ की हो सकती है। बेसिकली जो हमारी अप्रेंटिस होती है वो ओनली ऑन 1 ईयर की होती है, मतलब 12 मंथ की होती है। तो आप लोगों के लिए इसमें क्या क्या प्रॉफिट मिलता है, जैसे अप्रेंटिस के दौरान आप लोगों को गाइस सैलरी दी जाती है, जिसे हम स्टाइपेंड बोलते हैं। स्टाइपेंड थोड़ा कम होता है सैलरी के अकॉर्डिंग। साथ ही देखिए, सर्टिफिकेट आप लोगों को स्टाइपेंड प्लस सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट के जरिए किसी अच्छी कंपनी से अगर आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं या फिर एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, तो उस कंपनी में भी आप लोग को रिलैक्सेशन मिलता है। आप लोग जब भी उसमें फॉर्म निकलता है तो आप परमानेंट जॉब के लिए भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप टाटा से करते हैं या फिर हिंदुस्तान से, मतलब या हेल से करते हैं, तो आप लोग को इसी में काफ़ी ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब इसकी परमानेंट जॉब निकलेंगी तो वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जॉब निकलती है, मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ। देन आप लोग यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस, तो गाइज यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा देती हूँ, साथ ही साथ अप्लाई किस तरीके से करना है ये मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी। क्योंकि गाइस मेरे पास बहुत कमेंट आ चुके थे कि प्लीज़ आप अप्लाई करना भी बताया करें, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में ये दिक्कतें आती हैं कि अप्लाई किस तरीके से कर। अब वैकेंसी के बारे में तो हर कोई नॉलेज दे देता है, वैकेंसी के बारे में तो बेसिकली हम खुद भी नॉलेज ले लेते हैं कि हाँ ये वैकेंसी आ चुकी है, बट मेन रीज़न आता है कि अप्लाई किस तरीके से करें, ये सबके साथ में प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए मैं आपको ये कोशिश करती हूँ कि जब भी आपका फॉर्म निकले तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि आपके मैं फॉर्म को अप्लाई करके भी दिखाऊँ, जिससे कि तुम उसी तरीके से अप्लाई कर सको। तो चलिए मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। नोटिफिकेशन हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, तो देख सकते हैं गाइस हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, ये जो है हेल की तरफ से है। साथ ही देखिए, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से, बैंगलोर लोकेशन है, फ़ोन नंबर दिए गए हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, क्या यहाँ पर रहने वाला है। गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग रहने वाली है, एक तरीके से अप्रेंटिस रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर गाइस जो हमारे ITI के स्टूडेंट है वो यहाँ पर एलिजिबल है, अगर डिप्लोमा किया है या फिर BE/BTECH किया है वो एलिजिबल नहीं है। गाइस आप लोगों के लिए चाहे वैकेंसी छोटी हो चाहे एक ही वैकेंसी क्यों ना हो, मैं आप लोगों के लिए चाहती हूँ कि अपडेट आप दिए जाए। इस चैनल पर आप लोग को सभी प्रकार के अपडेट मिल सके। साथ ही देखिए, वैकेंसी भले ही एक हो लेकिन उसमें से भी किसी एक स्टूडेंट को नॉलेज मिलती है और वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है तो उसकी लाइफ सुधर जाएगी। गाइस बस यही सोचकर मैं आप लोगों को सारी वैकेंसी की यहाँ पर अपडेट देती हूँ। टेक्निकल क्षेत्र से रिलेटेड यहाँ पर सभी वैकेंसी की अपडेट मिलती रहती है, चाहे वो ITI हो या डिप्लोमा हो या BE/BTECH हो। तो गाइस यहाँ पर जो ITI वाले स्टूडेंट हैं उनके देखिए यहाँ पर ब्रांच क्या क्या रहने वाली है, जैसे फिटर हो गया, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, कोपा,
फाउंड्री मैन और शीट मेटल वर्कर, ये आप लोग की लोकेशन है, ये लोकेशन, ये जो है आप लोग की ब्रांच है, सॉरी। तो ये गाइस जो ब्रांच है, तो ब्रांच आप लोग ये जो ब्रांच है तो अप्लाई करें, जरूर करें। और इन ब्रांच के लिए ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये ब्रांच दी गई है, इनके लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को जो है देख सकते हैं, जुलाई 2022 तक से मतलब यहाँ पर सारा चीज़ हो जाएगा, ज्वाइनिंग वगैरह। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, एक ब्रांच और दी गई है जो है आप लोग की क्राफ्ट मैन की, यहाँ पर ब्रांच है। तो गाइस इसके लिए ऑनली ऑन कर्नाटका वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी और कोई स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है आईटीआई वालों में से। अगर कर्नाटका के हैं तो अप्लाई करें, नहीं है तो नहीं करेंगे। मेन चीज़ आती है गाइज आप लोग की फ़ीस की, तो गाइज यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रहती रहने वाली, फ्री का फॉर्म रहने वाला है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिया गया ST, ST, OBC, PWD, ये सभी कैंडिडेट। तो गाइज यहाँ पर सभी कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए कोई भी आप लोग की फ़ीस नहीं लगने वाली है। यहाँ पर आप लोग को किस तरीके से अप्लाई करना है, मेन रीज़न ये जानिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर अप्लाई करने का। गाइज यहाँ पर देखिए ये चीज़ देख पा रहे हैं आप लोग, ये सारी जो आप लोग की कॉपी आप लोग को यहाँ पर लेके जानी है। देखिए ये जो है कॉपी है आप लोग की, मार्कशीट जो होती है आईटीआई की, मार्कशीट लेकर जानी है। साथ ही देखिए एनटीसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, आप लोग को इसकी कॉपी लेके जानी। कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या पेन कार्ड, या फिर कॉपी ऑफ NCVT आप लोग के इस पोर्टल पर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसकी आप लोग के पास कॉपी होगी। इस कॉपी को आप लोगों को लगाना है, और लगा कर मैं एक फॉर्म भी जो बताऊंगी, फॉर्म में किस तरीके से फिलअप करना है वो भी बता रही हूँ। देखिए उस फॉर्म के साथ अटैच करके आप लोगों को एक एड्रेस पे सेंड करना है पोस्ट के जरिए, तो मैं एड्रेस भी दिखा देती हूँ। देखिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, तो देखिए गाइस ये एड्रेस दिया गया है आप लोग का, बेसिकली पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए पोस्ट वगैरह दी है, पोस्ट बेंगलुरु वगैरह, ये सारा एड्रेस दिया गया है, इसमें जाकर देख लीजिए। ये जो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई गाइज, ये जो सभी अभी मैंने कॉपी बताई, ये इन सब की फोटो कॉपी, और मैं आप लोग को फॉर्म बताऊंगी उसका प्रिंट निकलवा लेना, इस एड्रेस पे भेजना है। और किस डेट से पहले पहले भेजना, लास्ट डेट गाइज इसकी 30 अप्रैल है, तो इससे पहले पहले भेजना। चलिए मैं आप लोग को फॉर्म भी दिखा देती हूँ। तो गाइज देख सकते हैं ये फॉर्म है आप लोग का, यहाँ पर ये फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ फोटो लगाना है, अप्रेंटिस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, उसके बाद कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आप लोग का जेंडर, और साथ में क्वालिफिकेशन, टोटल यहाँ पर मार्क्स लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों के जो सेमेस्टर वाइज मार्क्स होंगे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कितने मार्क्स आए, उसके बाद टोटल मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पर आप लोग को जो है अपना कास्ट मतलब जो लेटर है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगा देना, और ये SC ST वगैरह जिस भी कैटेगरी के आप लोग उस पर आप लोग को उस यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप लोगों में मतलब कोई भी, जैसे आप लोग अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक है ना, मतलब आप कोई भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह नहीं है तो आप लोग नो कर देंगे, अगर है हैंडीक्राफ्ट वगैरह तो आप लोग येस कर देंगे। इस पर आप लोग अपना पूरा एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर फोन नंबर डाल देंगे, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे, सिग्नेचर करने के बाद डेट ऑफ प्लेस लिख देंगे। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद गाइस आप लोगों को इसका प्रिंट निकलवाना है, इसे इस तरीके से भर देना है, और जो मैंने अभी कॉपी बताई थी उन कॉपीज़ को, सभी कॉपीज़ को इसके साथ लगाना है, इस फॉर्म के साथ। जैसे इस फॉर्म के साथ में लगाएंगे इन कॉपीज़ को, आप लोगों को पोस्ट कर देना है। पोस्ट कहाँ पर करेंगे गाइस, पोस्ट करना है उस एड्रेस पर, मैंने आप लोगों को बता दिया, उस एड्रेस पर ही आप लोग पोस्ट करेंगे। फिर से मैं बता देती हूँ गाइस, जो हमारे ऑल इंडिया के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, मैंने आप लोगों को जो अलग वो बताई थी आप लोगों के, जैसे जो क्राफ्ट मैन है इसके लिए सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट एलिजिबल है, बाकी सब और किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन बेंगलुरु रहेगी। और साथ ही देखिए अगर आपका मतलब जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है साइट पे, जो ITI वाली साइट है, तो उस पे कर लीजिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो सभी जगह कॉपी वगैरह मांगा जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाना, जिससे कि मैं ये सारे PDF के लिंक आप लोग को वहाँ पर शेयर कर सकूँ।